Hello everyone, today in this video we will know how the bubble sort works in any Java program to sort the given 1D array. So for example, हमारे पास यहाँ पे एक array given है जिसमें ये 5 elements हैं. So this is the first element, this is the second element, third element, fourth element and fifth element. और ये जो एलिमेंट है इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो ज़ीरो है, ठीक है. और सेकंड यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू वन आएगी. सो हेयर इज़ द इंडेक्स वैल्यू टू, हेयर इंडेक्स वैल्यू इज़ थ्री एंड हेयर इंडेक्स वैल्यू इज़ फोर. सो जीरो टू फोर ये हमारे पास एलिमेंट स्टोर हैं 1D एरे में. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो 7 है, सेकेंड वैल्यू जो है 9 है, देन वी हैव द 4, then we have 8 and then we have 3. और ये जो एरे है ये अनसॉर्टेड है, मीन्स के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी भी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है. तो सॉर्टिंग क्या होती है पहले मैं आपको ये बता दूं. सॉर्टिंग मीन्स के कुछ भी जो आपके एलिमेंट्स के बने हैं उनको आप एक पर्टिकुलर लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड ए सॉर्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप उनको 1, 2, 9, ठीक है, जैसे अरेंज करते हो कि सबसे पहले स्मॉल नंबर आए, देन उससे बड़ा नंबर आएगा, देन उससे बड़ा. सो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग. ऐसे ही अगर आपने बड़े नंबर पहले अरेंज करने हैं और उसके बाद जो छोटे नंबर हैं वो अरेंज करने हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग. और अगर आपकी जो एलिमेंट्स हैं वो टेक्स्ट टाइप हैं, मीन्स के न्यूमेरिकल नहीं है, अल्फा न्यूमेरिकल है, तो उस केस में जो आपकी सॉर्टिंग है उसमें हम जो एलिमेंट्स को हैं वो ए बी सी, मीन्स को जिसको आप एक्स वाई जेड भी बोल सकते हो, उस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो या जेड वाई एक्स के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो. तो यहाँ पे हम आज जो है जो सॉर्टिंग मेथड्स हैं जावा में, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प के साथ आप एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हो एरे में, तो हमारे सिलेबस में जस्ट टू सॉर्टिंग मेथड्स गिवन हैं. तो फर्स्ट तो हमारे पास एक जो है बबल सॉर्ट है और सेकंड मेथड हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है. बट इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ओनली बबल सॉर्ट. तो बबल सॉर्ट क्या होता है उसको भी आप पहले समझ लो. जैसे मान लो आपके पास एक जार है, वाटर उसमें डाला हुआ है और उसके डाउन साइड से कुछ बबल बन रहे हैं. तो बबल नेचुरली नीचे जब जार में बनेंगे तो ऊपर की तरफ आएंगे और ऊपर आके वो पॉप अप हो जाएंगे. तो कुछ बबल्स मान लो बड़े हैं, ठीक है, कुछ बबल्स मान लो छोटे हैं. तो सबसे जो बड़े वाले बबल्स होंगे वो पहले पॉप अप होंगे, ठीक है, सबसे पहले वही पॉप अप होंगे और जो छोटे बबल्स हैं वो बाद में पॉप अप होंगे, क्योंकि छोटे बबल जार में ऊपर बाद में आएंगे और जो बड़ा बबल है वो पहले आ जाएगा. तो इसी ऑर्डर में ही हम ये टेक्निक भी काम करते हैं. तो इसमें भी हम सबसे पहले जो बड़ा बबल है या जो बड़ी वैल्यू है उसको सबसे पहले हम उसकी प्लेस पे पहुंचा देंगे. तो लेट्स सी दिस वीडियो एंड हाउ बबल सॉर्ट वर्क्स. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे जो पहले टू एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, 7 और 9. तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉर्ट करेंगे, ठीक है. तो क्योंकि सॉर्टिंग जो है बबल सॉर्ट में जो फर्स्ट टू एलिमेंट है उनसे स्टार्ट होती है, ठीक है. तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 7 है और सेकंड वैल्यू आपकी 9 है, ठीक है. और फॉर एग्जांपल मैं इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने जा रहा हूँ. असेंडिंग का मतलब है जो स्मॉल वैल्यूज हैं वो पहले आएंगे और जो बड़े वैल्यूज हैं वो बाद में आएंगे. तो यहाँ पर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, 7 को 9 के साथ, मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड के साथ आप कंपेयर करोगे. अब कंपेयर करने के बाद अगर तो वो लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, जिस ऑर्डर में आप उनको चाहते हो, तो फिर हम इन दोनों को स्वैप करवा देंगे, ठीक है. बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 7 है वो स्मॉल है 9 से, ठीक है. तो यहाँ पे हमें इन एलिमेंट्स को स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. और यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट सेम ऐसे ही रह जाएंगे फर्स्ट पोजिशन वाले. अब हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को. तो नेक्स्ट टू एलिमेंट हमारे पास ये वाले हैं 9 और 4, इनको हम कंपेयर करेंगे.
अब जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे देख सकती हो कि जो लार्जर वैल्यू है वो पहले और जो स्मॉल वाली वैल्यू है बाद में है, ठीक है। और हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो हम इन दोनों को स्वैप करवाएंगे क्योंकि ये लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ पे ये जो 4 है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा और 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यू स्वैप हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने जो नेक्स्ट टू एलिमेंट्स जो कंपेयर करने हैं वो ये है 9 एंड 8। अभी आप इसको भी चेक कर सकते हो कि आपके ये दोनों एलिमेंट भी लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है क्योंकि 8 जो है वो स्मॉल वैल्यू है और 9 बड़ी है। तो इनको भी हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो स्वैप होने के बाद आप देखते हो कि 9 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पे, और जो लास्ट पेयर है हमारा वो ये वाला है, ठीक है, जिसको हमने कंपेयर और स्वैप करना है। अभी यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका लॉजिकल ऑर्डर है ये 3 वैल्यू है या 9 है, ठीक है। तो ये भी लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम इनको भी स्वैप करेंगे। तो जो 3 वैल्यू है वो वहाँ पे आ जाएगी और जो 9 है यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरह से बबल सॉर्ट में एक आपका जो पास है वो कंप्लीट हो जाएगा, मींस के जो एक राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पास में, एक राउंड में हमने, ठीक है, टू टू एलिमेंट्स को कंपेयर किया है और हमने देखा था कि जो 9 है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब वो लास्ट पे आ चुका है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे चली जाएगी। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो सबसे बड़ा बबल होगा वो पहले पॉप होगा, तो इसका मतलब 9 जो है वो पॉप हो चुका है, 9 अपनी करेक्ट प्लेस पे जा चुका है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है। देन अब हमारा राउंड 2 होगा, ठीक है, जिसको आप पास 2 भी बोल सकते हो या राउंड 2 बोल सकते हो। राउंड 2 में हम फिर से जो है बिगनिंग से टू टू एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब कितने राउंड होंगे, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि बबल सॉर्ट में राउंड कितने होंगे। तो जो राउंड्स हैं वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका बहुत इजी फार्मूला है n-1, ठीक है। तो n-1 मीन्स 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमें जो राउंड हैं या जो पासेस हैं वो 4 चाहिए मिनिमम। तो 4 पासेस में ये आपका एरे जो है वो कम्प्लीटली सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पास या फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट है, तो सेकेंड राउंड में हम फिर से अभी हैं। तो अभी आप देख सकती हो कि पूरा एरे अभी सॉर्ट नहीं हुआ, ठीक है। अभी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अनसॉर्टेड हैं, एक एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे जा चुका है। अभी राउंड 2 है, राउंड 2 में हम फिर से ये दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और इनको उनके लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो जैसे 7 एंड 4 है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट लॉजिकल ऑर्डर है, 4 स्मॉल वैल्यू जो पहले होनी चाहिए और 7 यहाँ पे आना चाहिए, तो हम इनको भी स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो ये 4, अब जो नेक्स्ट पेयर है वो ये वाला है, हम इनको कंपेयर करेंगे। तो ये दोनों ऑलरेडी अपने लॉजिकल ऑर्डर में है, 7 इज स्मॉलर, 8 इज ग्रेटर देन 7, तो इसमें हम स्वैपिंग नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रह जाएगा। नेक्स्ट जो ऑर्डर है, जो नेक्स्ट पेयर है वो 8 एंड 3 है, तो यहाँ पे हम इनको स्वैप करेंगे क्योंकि 3 स्मॉल है और 8 बड़ा है, तो 8 इधर आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी हम स्वैप कर चुके हैं और 3 आपका यहाँ पे है। अब लास्ट एलिमेंट को मींस के कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस पेयर को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 आपका ऑलरेडी लॉक हो चुका था, 9 आपका ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे जा चुका था, ठीक है। उसी तरह से अब जो 8 है, नेक्स्ट हायर डिजिट है, वो भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुकी है और हमारा जो लॉक है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट पास में हमने सभी एलिमेंट्स को कंपेयर किया था, पेयर्स को कंपेयर किया था, सेकेंड पास में हम यहाँ तक ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये साइन आपको दिया है। अब हमारी आएगी थर्ड पास, ठीक है, जिसको आप थर्ड राउंड भी बोल सकते हो। तो थर्ड राउंड में हमने फिर से देखना है कि अभी अरे आपका सॉर्टेड नहीं है पूरी तरह से, अब थर्ड राउंड है। तो थर्ड राउंड में हम पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑलरेडी अपने लॉजिकल ऑर्डर में हैं, तो इनको स्वैप करने की जरूरत नहीं है, तो 4 आपका यहीं पे रह जाएगा। अभी हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, 7 एंड 3, तो इनका ऑर्डर जो है वो चेंज करना पड़ेगा, 7 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है।
अब आपका 3 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, और अब इस पेयर को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8 ऑलरेडी अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे जा चुका है। उसी तरह से अब जो 7 है वो भी अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे जा चुका है थर्ड राउंड के बाद, तो हम इसको भी ओके। अभी हमारा रह जाएगा राउंड 4, तो राउंड 4 में हमारे पास जो लास्ट 2 एलिमेंट्स बचे हैं उन्हीं को हमने कंपेयर करना है और स्वैप करना है। तो लास्ट 2 में आप देख सकते हो कि 3 एंड 4 है, ठीक है, 4 इज दिस वन, 3 इन दिस वन, तो इनको भी स्वैप करने की ज़रूरत है। 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 7 ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजिशन पे है। तो अभी आपका जो 3 4 यहाँ पे आ जाएगा और जो लॉक है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इस तरह से हमारे जो सभी राउंड्स हैं 4 राउंड्स वो पूरे हो चुके हैं। लास्ट एलिमेंट एक ही बचता है, उसको आप कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ, तो 5th राउंड की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अब जो हमारा ये जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। सो दिस इज़ द मेथड विच वी यूज इन द बबल सॉर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम बना रखा है मैंने, और ये प्रोग्राम जो है बबल सॉर्ट के थ्रू हमने डिज़ाइन किया है, और ये प्रोग्राम आपके एरे को सॉर्ट करेगा सभी को। तो लेट्स सी इन दिस प्रोग्राम व्हाट इज़ डन एंड हाउ इट इज़ डन। तो फर्स्ट में हमारे पास पैकेज है, पैकेज का नेम सैम्पल है, और अगर आपने प्रोग्राम किसी पैकेज के अंदर बना रखा है तो ये लाइन आएगी, और अगर आप प्रोग्राम डायरेक्टली विदाउट एनी पैकेज बना रहे हो तो फिर इस लाइन की आपको नीड नहीं है। सेकेंड लाइन है पब्लिक क्लास टेस्ट, तो ये क्लास है हमारी, क्लास नेम कैन बी एनी नेम, यहाँ पे हमने उसका नेम टेस्ट लिया है। देन क्लास बॉडी विल स्टार्ट, देन हम एक मेथड यहाँ पे बना रहे हैं जिसका नेम बी सॉर्ट है, तो नेम आप कोई भी ले सकते हैं मेथड का, यूज़ इट फाइंड मेथड है, और ये बाइनरी सॉर्ट के बबल सॉर्ट के लिए, ठीक है, तो ये आपके एरे को बबल सॉर्ट टेक्निक के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को सॉर्ट करेगा। और इसमें हमने एक आर्गूमेंट भी इंटीजर टाइप एरे टाइप दिया हुआ है, तो हम एक एरे इसको पास करेंगे और ये उसके एलिमेंट्स को सॉर्ट करेगा। तो मेथड की वर्किंग देख लेते हैं। मेथड में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप, आई जे एंड टेम्प। आई जे हमने लिए हैं जस्ट फॉर लूप्स, तो 2 लूप्स आपकी यहाँ पे लगी हुई हैं, उनके लिए आई जी वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल। और टेम्प हमने लिया है स्वैपिंग के लिए कि इन केस अगर आपके एलिमेंट्स आउट ऑफ ऑर्डर हैं, मींस कि उनको आपने असेंडिंग में अरेंज करना है, वो ऑलरेडी असेंडिंग में नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम टेम्प को यूज़ करेंगे स्वैप करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फॉर लूप लगी हुई है आई वाली, आई की वैल्यू 0 है, और ये लूप है एरे डॉट लेंथ -1 तक चलेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ पासेस है, ठीक है, आपको चाहिए सभी एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए वो n-1 होता है, ठीक है। तो अगर मान लो 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो ये आउटर लूप 4 टाइम्स चलेगी, ठीक है, क्योंकि एरे डॉट लेंथ हमें 5 रिटर्न करेगा और 5-1 आ जाएगा 4, तो लेस देन 4 है, इट मीन्स 0 से लेके ये 3 तक चलेगी, 0, 1, 2 एंड 3। तो आउटर लूप है ये जस्ट फॉर राउंड्स के लिए, पासेस के लिए कि कितने पासेस में ये एरे को सॉर्ट करवाएगी। देन वी हैव द इनर लूप। अब इनर लूप जो है वो 0 से लेके एरे डॉट लेंथ -i-1 तक चल रही है, क्योंकि एरे डॉट लेंथ -i-1 इसलिए किया है क्योंकि हर बार जो है आपका अगर फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है तो उसमें आप लास्ट एलिमेंट तक सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, और जो भी आपका लार्जेस्ट एलिमेंट होगा अगर असेंडिंग में आप सॉर्ट कर रहे हो तो वो लास्ट पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड में लास्ट एलिमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है i-1 तक वो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम i 0 होगी, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो वो लेंथ -1 नहीं कंसिडर करेगा क्योंकि i की वैल्यू 0 है। सेकेंड टाइम जब लूप चलेगी i की वैल्यू 1 हो जाएगी जब इनर चलेगा, तो सेकेंड टाइम ये जो इनर है वो 0 से लेके लेंथ -1 -1, तो इसका मतलब है लेंथ -2, तो 2 एलिमेंट
लास्ट से माइनस कर देगी, वहाँ तक चलेगी। तो इसी तरह से जो इनर है वो आउटर के अकॉर्डिंग कम होती जाएगी। देन वी हैव द इफ़ कंडीशन इनसाइड द इनर। तो इफ़ में हम चेक करेंगे कि जो एरे है उसमें जो जे वाला एलिमेंट है, तो जे की वैल्यू भी जीरो है, अगर वो ग्रेटर है किससे, जे प्लस वन एलिमेंट से, तो एरे जे प्लस वन का मतलब है नेक्स्ट एलिमेंट। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर वो नेक्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर है तो यहाँ पे स्वैपिंग करवा देंगे, ठीक है। जे वाला एलिमेंट आप टेम्प्ररी वेरिएबल में स्टोर कर दोगे, ठीक है, जे की जगह पे आप जे प्लस वन वाला स्टोर कर दोगे, और जे प्लस वन की जगह पे फिर से जो टेम्प में हमने स्टोर किया था जे का, वो जे प्लस वन की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से जो एलिमेंट हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। देन इफ़ कंडीशन क्लोज है, फॉर लूप क्लोज है, और आउटर लूप क्लोज है, और मेथड भी हमारा यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। आगे हमारे पास मेन मेथड है। मेन में हमने एक नम एरे लिया है 1D, जिसमें हमारे पास 6 एलिमेंट है, 55, 36, 45, 20, 50 एंड 10। देन हमने एक लाइन प्रिंट की है अनसॉर्टेड एरे, और हमने एक लूप लगा के इस एरे को प्रिंट किया है, ठीक है। तो अभी जो एरे प्रिंट होगा फर्स्ट टाइम, वो आपका अनसॉर्टेड मीन्स सेम एरे आपका प्रिंट हो जाएगा जो मेन में आपने डिक्लेयर किया है। देन हमने कॉल किया बी सॉर्ट को, और आर्गुमेंट में हमने पास किया नम, नम मीन्स नम एरे। तो ये एरे आपका सीधा बी सॉर्ट के पास चला जाएगा, बी सॉर्ट इसके एलिमेंट्स को सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम फिर से वापस मेन में आएंगे, और यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन को चलाएंगे, दैट इज सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे के बाद फिर से हमने जो नम एरे को है वो प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप नम को भी प्रिंट करोगे, यहाँ पे ध्यान देना कि जो नम एरे है वो एज ए एक्चुअल पैरामीटर हमने पास किया है, और जो बी सॉर्ट में आर्गुमेंट है वो ए डबल आर एरे आर्गुमेंट है, ठीक है, उसका नेम ए आर है। बट ये दोनों रेफरेंस टाइप है, इट मींस कि जो अगर ए आर आर एरे जो है वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो ऑटोमेटिकली नम भी हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एरे हैं वो कॉल बाय रेफरेंस को यूज़ करते हैं, मींस के जो एड्रेसेस हैं उनके सेम होते हैं। एक्चुअल आर्गुमेंट का जो एड्रेस है वही एड्रेस फॉर्मल आर्गुमेंट का भी होगा, तो अगर आप कोई चेंज फॉर्मल आर्गुमेंट में करोगे वो एक्चुअल में भी हो जाएगी। तो इसलिए जब आप नम को प्रिंट करोगे लास्ट टाइम मेन मेथड में, तो वहाँ पे जो एलिमेंट प्रिंट होंगे वो सारे सॉर्टेड ही प्रिंट होंगे। तो नेक्स्ट हम चल के देखते हैं इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आती है। ओके, सो दिस इज़ द आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो लाइन हमारे पास प्रिंट हुए हैं। तो फर्स्टली हमारे पास अनसॉर्टेड एरे प्रिंट हुआ है, जिसमें एलिमेंट एग्जैक्टली सेम ही है जैसे एरे में हमने डिक्लेयर किए थे, 55, 36, 45, 20, 50 एंड 10। और उसके बाद हमारे पास जो है सॉर्टेड एरे प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने बी सॉर्ट को कॉल करने के बाद फिर से नम को प्रिंट किया। तो अभी आप देख सकते हैं सबसे स्मॉल एलिमेंट फर्स्ट पे आ गया है, 10, देन 20, 36, 45, 50 एंड 55। सो इस तरह से जो बी सॉर्ट है या बबल सॉर्ट है ये आपका काम करेगा, और एरे के एलिमेंट्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेगा। सो दिस इज़ द बबल सॉर्ट मेथड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।